मास मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेस्ट टू मेक मनी जो मास मीडिया है वो लगातार मनी धन कमाने के डिफरेंट टाइप्स के बारे में सोचते रहते हैं वन वे इन विच द मास मीडिया अर्नस मनी इज़ बाई एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक कार्स चॉकलेट्स क्लोथ्स मोबाइल फोन्स एट्सेट्रा अब एक तरीका तो आप डेली देखते हो अपनी लाइफ में जब टी वी देखते हो ना उस टाइम पर देखते हो कि क्या है एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जो एड्स दिखाते हैं जैसे कार का एड्स चॉकलेट क्लोथ्स मोबाइल फ़ोन्स आदि इनका एड आप देखते हो जो आपको सीरियल देखते रहते हो तो बीच बीच में आते हैं आप क्रिकेट देखते हो तो भी बीच बीच में एड्स आते हैं तो इनके भी इनको इनसे भी इनको पैसे मिलते हैं मनी अर्न करते हैं ये लोग यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स दैट यू हैव टू सी वाइल वॉचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो आप ये नंबर ऑफ एड्स देखते हो जब आप कोई अपना फेवरेट शो देखते रहते हो टी वी वर्ल्ड वॉचिंग आ क्रिकेट मैच ऑन टी वी द सेम एडवरटाइजमेंट्स आर शोन रिपीटली बिटवीन ईच ओवर एंड सो यू ओवर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन जब आप अपना कोई क्रिकेट का मैच आप देखते हैं टी वी पर तो हर ओवर के बाद आप कोई सेम एड्स आपको दिखाई देते हैं बार बार और ये उन्हीं इमेज़ को देखते हैं बार दिखाई देते हैं जैसा कि आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है यू विल गो आउट एंड वट इज एडवर्टाइज अब हम देखेंगे कि बार बार जो एड्स आ रहे हैं इनसे आप क्या आशा कर सकते हो और ये आप बाहर जाकर के उसी वस्तु को परचेज भी कर लेते हो कुछ ऐसा आपके माइंड में आ जाता है आगे है मीडिया एंड डेमोक्रेसी ठीक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी हम देखेंगे इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड ये कह रहे हैं इन अ डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र में मीडिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोवाइडिंग न्यूज न्यूज़ प्रोवाइड करती है एंड डिस्कस करती है इवेंट्स के बारे में टेकिंग प्लेस इन द कंट्री जो कंट्री में किए जा रहे हैं एंड द वर्ल्ड ऑल्सो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशंस ये इस इंफॉर्मेशन का बेस है डेट सिटीजन्स कैन की सिटीजन्स क्या करें फॉर एग्ज़ाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्कस की गवर्नमेंट कैसे वर्कस करती है एंड ओफ़न इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ़ द न्यूज़ स्टोरीज अब देखिए वो न्यूज़ स्टोरीज देखते हैं डेली तो उन्हें लग रहा है कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही तो जो सिटीजन्स हैं दे कैन टेक एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दिज न्यूज़ इन न्यूज़ के बेसिस पे सिटीजन्स कोई भी एक्शन उठा सकते हैं सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज बाई राइटिंग लेटर्स इसमें एक्शंस उठाने के डिफरेंट तरीके हैं लाइक राइटिंग लेटर लेटर जो है वो राइटिंग में दे सकता है टू द कंसर्न मिनिस्टर को ऑर्गेनाइजिंग अ पब्लिक प्रोटेस्ट पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इटम सार्वजनिक जो विरोध है वो कर सकते हैं सब लोग मिलकर स्टार्टिंग आज सिग्नेचर कैंपेनियन सिग्नेचर कैंपेनियन होती है ना बड़ा सा पोस्टर लगा देते हैं उस पर सब लोग अपने अपने साइंस करते हैं साइन करते हैं आस्कििंग द गवर्नमेंट टू री थिंक इट्स प्रोग्राम एट्सट्रा और गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम पर वापसी विचार कीजिए गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट द इन्फॉर्मेशन कैन बी बैलेंस जो जानकारी देने के संबंध में जो मीडिया अपना रोल प्ले करती है उसको देखते हुए यह बहुत ही मेन है इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बैलेंसिंग होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक जैसे देखिए हर एक बात के दो पक्ष होते हैं एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव दो एटीट्यूड्स होते हैं हर एक चीज़ के दो पक्ष होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मीडिया एक ही पक्ष बताए कि ये बातें हैं इस पॉलिसीज़ में मीडिया को दोनों पक्ष रखने चाहिए जनता के सामने फिर बाद में जनता डिसाइड करेगी कि सही है या पॉलिसीज़ गलत है ठीक है पॉलिसीज रॉन्ग है राइट है वो काम जनता का डिसाइड करना है मीडिया का काम सिर्फ इतना है कि वो राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताए ठीक है जैसे कोई पॉलिसीज आई है तो मीडिया बताए कि इसकी ये मेरिट्स हैं इसकी ये डी हैं अब मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख के अब पीपल डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिसीज रॉन्ग रा, है राइट है अच्छी है गुड है बैड है कैसी है ओके तो इट मीन्स जो बैलेंस जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो बैलेंस वाली होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष रख दिया जाए आपके सामने सारी तो आपकी हानियाँ बता दी जाएं उसके लाभ ना बताए जाएँ या फिर लाभ बता दिए जाएँ हानियाँ ना बताई जाएँ ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए बैलेंस वाली होनी चाहिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस मीडिया अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बैलेंस मीडिया का क्या मीन्स है रिपोर्ट बाय रीडिंग टू वर्जन ऑफ द सेम न्यूज़ देखिए एक सेम न्यूज़ के टू वर्जनस होते हैं इवेंट्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज ठीक है नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पे कटिंग दी हुई है न्यूज़पेपर्स की डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज प्रदूषण फैलाने वाले जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पर एक डाउन किया गया है वज्रपात कहते हैं ना प्रोटेटर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक जो विरोधी हैं उन्होंने रोड जाम कर दिए हैं और ट्रैफिक उसको रोक दिया है यहाँ पे स्टोरी है आपको बता देती हूँ जो कारखाने के कारखानों के जो मालिक हैं और जो मजदूर हैं उन्होंने हिंसात्मक विरोध ने आज पूरे शहर की गतिविधियों को रोक रख रोक कर रख दिया है सड़कों पर जो व्हीकल्स हैं उनके विशाल जाम लगने के कारण लोग टाइम पर अपने काम पर नहीं पहुंच सके हैं और जो कारखाना के मालिक हैं मजदूर हैं वो सरकार के प्रदूषण पोल्यूशन फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं इट मीन्स कुछ फैक्ट्रीज ऐसी थी यहाँ पे जो पोल्यूशन फैला रही थी तो गवर्नमेंट ने कहा आप कि आपकी इंडस्ट्री जो है बहुत तो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है आप इसको बंद करो तो इस चीज़ का वहाँ विरोध हो रहा था फिर कुछ टाइम के बाद सरकार ने अपने डिसीजनस को जल्दबाजी में लिया है तो विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयाँ जो है गैरकानूनी है इटमीन जो उन्होंने इंडस्ट्री खोल रखी थी वो भी गैरकानूनी थी उनको पता था प्रो प्रोटेस्ट करने वाले को मोर ओवर द लेवल्स ऑफ पोल्यूशन इन सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस बाय दिस क्लोजर इकाइयों के बंद होने से शहर में जो पोल्यूशन है उसका लेवल काफ़ी कम हो जाएगा शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं श्री जैन उन्होंने कहा कि हमारा शहर भारत के लिए एक न्यू व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि शहर जो है वो क्लीन और ग्रीनरी हरा भरा रहे जो पोल्यूशंस फैलाने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हटाया जाना चाहिए विरोध करने के स्थान पर कारखाने के जो मालिक हैं और जो मजदूर हैं उनके पुनर्स्थापन को इटमींस उनको दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया जाएगा उनके इंडस्ट्रीज़ को इसको स्वीकार कर लेना चाहिए इसलिए जैन उनको कह रहे हैं इधर एक कटिंग और है ये देखिए यह पढ़ लेना क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कोजिज कारखानों के बंद होने से घोर है शांति जो है ठीक है ये सब लिखा हुआ है इधर क्वेश्चन है आपके ये भी आपको देखना है फर्स्ट है आर दट अबाउट स्टोरीज इन द न्यूज़ पेपर्स टू न्यूज़ पेपर सिमिलर इफ नोट वाई नोट वट इज़ योर व्यू आर दिमिलर्स एंड द डिफरेंसिस ये क्वेश्चन हम हम आपसे पुटअप करेंगे क्या आप दोनों समाचार पत्रों में जो विवरण दिया गया है वो एक जैसा है या इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं या डिफ्रेंसीज है? इफ़ यू रीड द स्टोरी इन द न्यूज़ ऑफ इंडिया वट वीट यू थिंक अबाउट द इश्यू न्यूज ऑफ इंडिया में आपने कौन सा विवरण पढ़ा तो आप क्या सोचते हैं ओके okay, अब हम आगे चलते हैं दिफैक्ट इज दैट इफ़ यू हैड रीड आय द न्यूज पेपर यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी रियलिटी यही है कि यदि आप इनमें से केवल एक न्यूज़ पेपर को पढ़ेंगे तो आपका जो विषय है उसका आप एक ही पक्ष जान पाएंगे इट मीन्स इधर देखिए दो एक ही स्टोरी है ये अलग अलग पक्ष विपक्ष है ठीक है ये इंडिया डेली रिपोर्ट है और ये न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट है न्यूज ऑफ इंडिया ने तो अलग तरीके से पेश किया है और डेली न्यूज़ ने इट मीन्स एक एक पक्ष जान पाएंगे आप इन दोनों को पढ़ने से और ऐसा नहीं होना चाहिए हमें दोनों पक्ष का पता होना चाहिए तभी तो बैलेंस वाली रिपोर्ट होगी इफ़ यू हैव रीड द न्यूज ऑफ इंडिया यू विड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेक्टर्स एज ए नो सेंस नो सेंस ये कह रहे हैं अगर आप न्यूज ऑफ इंडिया वाला न्यूज़ पढ़ेंगे इट मींस लेफ्ट साइड वाला तो आपको ये लगेगा कि जो विरोध कर रहे हैं ना उनकी बातें नो इन कहते हैं ना यू आर नो सेंस कि आपकी बातें तो व्यर्थ हैं उनको लगेगा कि व्यर्थ की बातें कर रहे हैं ये दे आर डिस्टर्पटिंग ट्रैफिक एंड कॉन्टिन्यूली पोलिटिंग द सिटी विद देयर फैक्ट्रीज लिव यू विद अ बैड इंप्रेशन अबाउट दैम और आप क्या कहोगे कि इनके कर जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे शहर में प्रदूषण फैल रहा है और हमारे मन में ये उनकी एक बैड इमेज बन जाएगी कि ये लोग प्रदूषण फैला रहे हैं यातायात जो ट्रैफिक है उसको जाम कर रहे हैं बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू हैव रीड द स्टोरी इन इंडिया डेली अगर आप इंडिया डेली न्यूज़ की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि राइट साइड में है यू नो दैट दी प्रोटेस्ट आर बिकॉज आर लॉट ऑफ लाइवलीहुड्स विल बी लॉस्ट आप देखेंगे कि अगर ये इंडस्ट्री बंद हो गई तो मोस्ट ऑफ जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनकी जो लाइफ है वो क्लोज हो जाएगी लॉस्ट हो जाएगी उनकी लाइवलीहुड्स के रिसोर्स बंद हो जाएंगे बिकॉज द रीलोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बिन एडुकेट क्योंकि जो उनको रिलोकस एफर्ट्स हैं वो उनके लिए सही नहीं होंगे नाइदर ऑफ दी स्टोरीज इज़ अ बैलेंस्ड रिपोर्ट ये जो हमने ऊपर अगर एक न्यूज़ पेपर की स्टोरी अगर हम पढ़ते हैं तो वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं है ठीक है अब आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ वन ऑफ दैट डिस्कशन ऑल points ऑफ व्यू ऑफ ए particular स्टोरी एंड then leaves इट ऑन द रीडर्स टू मेक अप their माइंड्स लोकतंत्र में जो स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना इतनी सम्मिलित है ठीक है इसको हम क्या कहेंगे कि सन, जो कम्युनिकेशन्स मीडिया के द्वारा जो इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है उसके आधार पर सिटीजन्स के रूप में कार्रवाई उनके लिए जानना है ये सिटीजन्स का काम है एक बैलेंस रिपोर्ट हम उसको कहेंगे जिसमें जो भी जानकारी दी जाए ठीक है वो बैलेंस हो ऑल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस किया जाए एक पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर और उस फिर छोड़ दिया जाए उसको दोनों पक्ष बताने के बाद रीडर्स के ऊपर फिर वो अपने आप अपने माइंड को मेकअप करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है